नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छी प्रकार से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त जय प्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आप जो सामने फर्टिलाइज़र देख रहे हैं ये बायोजाइम फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, ये होता है क्या है और इसका प्रयोग गार्डनिंग में क्यों ज़रूरी है और सीविड क्या होता है और इसका भी प्रयोग गार्डनिंग में क्यों ज़रूरी है, मैं दोनों फर्टिलाइज़र पर बात करूँगा। ये दोनों फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हैं और दोस्तों यही कहूँगा, वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे कि ये फर्टिलाइज़र की क्या विशेषताएं हैं। इससे पहले चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको दिखा सकूँ। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बायोजाइम है और सेम इसी तरह सीविड होता है। मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ कि दोनों में जो गुण होते हैं के यानी कि समुद्री वनस्पति के सेम ही होते हैं। किसी में 22% होता है, किसी में 28% होता है। यानी समुद्री शैवाल से तैयार किए जाते हैं ये बायोजाइम और सीविड। तो जो लोग सीविड यूज़ करते हैं वो बायोजाइम बिल्कुल यूज़ ना करें और जो बायोजाइम यूज़ करते हैं वो सीविड बिल्कुल भी ना यूज़ करें, क्योंकि दोनों एक ही होता है। और मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ कि बायोजाइम एक चम्मच अपने गमले में 15 दिन में या एक महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है ये आसानी से पूरा कर देता है, जड़ों का विकास करता है और पौधा अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो बायोजाइम और सीविड दोनों एक ही होता है, चीज़ से आप अब समझ गए होंगे। तो बायोजाइम और सीविड दोनों लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, तो जिन लोगों ने लिक्विड ले लिया है तो वो अपनी मात्रा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मात्रा ज़्यादा होने पर ऑर्गेनिक है, नुकसान तो नहीं होगा लेकिन जो मात्रा हम और पौधों में दे सकते हैं वो वेस्ट होती है। तो मात्रा का विशेष ध्यान रखें और ये दानेदार फॉर्म में आप यूज़ करें, बढ़िया होता है। जैसे कि दोस्तों ये आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार है और इसी तरह सीविड भी होता सेम होता है। और आप अपने गमले में अगर इसका प्रयोग करेंगे या अपने खेतों में भी आता है, ये दोस्तों कई कंपनियों का आता है, इफ़को का आता है, सगरिका का आता है, आप कोई भी ले सकते हैं। पैकेट में अभी आता है 1 किलो के, या आप खुला भी बीज भंडार से ले सकते हैं। मैंने इसे 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से परचेज़ किया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी प्लांट हैं तो मैं 1 से 2 चम्मच अपने पौधों में देता हूं। और जैसे ये दोस्तों गमला आप देख रहे हैं ड्राई है, तो ड्राई गमले में आपको इसको नहीं देना चाहिए। अभी मैं दूसरे प्लांट्स में जिसमें कि थोड़ा मॉइस्चर है उसमें देख के आपको दिखा देख सकते हैं। शरीफे का पौधा है और इसी में देखिए थोड़ा मॉइस्चर है और इसमें मैं 1 चम्मच बायोजाइम के दाने का प्रयोग करूंगा। ये देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही करके आपको इसे दे देना है। जब हम वाटरिंग करेंगे दोबारा तो ये इसी में मिल जाएगा और इसकी जड़ों तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको देना है, ड्राई मिट्टी में बायोजाइम को नहीं देना है, थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, आप इसमें दे दीजिए, बहुत बेहतरीन। एक बार फिर कहूँगा कि बायोजाइम और सीविड दोनों सेम होता है और इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो था बायोजाइम और सीविड को लेके था, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।